हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं और मेरे भाई आए हैं बैकुंठपुर। वो पीछे दिख रहा होगा आपको, राजा का महल देखने, और सोचे कि ब्लॉग भी बना लें। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है, आप और आपको भी दिखाते हैं। चलें भाई, चलो। दोस्तों, अभी आप निकल चुके हैं और अभी गेट ढूंढ रहे हैं हम दोनों, मैं और मेरा भाई, और चलते हैं आगे। आपको दिख रहा होगा पूरा दोस्तों, वो राजा का महल है। तो ये दोस्तों, ये है एंटर गेट, और अभी अंदर चलते हैं। हाँ, यहाँ साइड साइड में खेती, पूरा खेती करवा दिए हैं। ये टमाटर लगा है साइड में, और अभी हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों। भाई, यहाँ पे थोड़े अंदर घूम सकते हैं क्या? हाँ। वीडियो शूट करना है? हाँ, तो वीडियो शूट नहीं करने देंगे? नहीं, लिखाया हाँ, वोट दे दीजिए। तो ऐसा कहा है भाई, ऐसा कहा है बना दिए कि वीडियो नहीं कर सकता, ऐसा कहा है? ऐसा मतलब बस ऐसे घूम सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज कैंसिल हो गया प्लान, वीडियो नहीं बना सकते। चलें अब अंदर चलें, घूम लें कि अब वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो चलते हैं अब। और तो बस यहीं से देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अब तो हम लोग सोचे रहे कि वीडियो बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे, पर दोस्तों अब तो नहीं बना सकते, यहाँ पे मना है। जो यहाँ के ऑनर है, राजा है, वो मना कर दिए हैं। तो चलते हैं अब, चलें। तो दोस्तों, यहाँ से दिल टूटने के बाद हम लोग जा रहे हैं कहीं और, झुमका बांध, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद लेके आए थे कि महल गजब का दिखता रहा, और पास जाके देखे तो और मज़ा आया। लेकिन यहाँ से अब बोल दिए कि वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो दिल टूट गया। अब चलते हैं, वीडियो कहीं नहीं हो रहा है। अभी ठीक हो, चलो। अच्छा, यहाँ भी टिकट काट रहे हैं कभी? यहाँ 10 रुपये रखा है चेंज? नहीं, दे देना भाई। दे दिया मैं चेंज, रखा था फ़ोन पे कर देते हैं 10 रुपये। कब से चालू हो गया? आपका पार्किंग का है 10 रुपये। अच्छा, मोटरसाइकिल। बैकुंठपुर झुमका बांध, कहाँ बात कर रहे थे हीरो? तो फाइनली दोस्तों, वहाँ से निकलने के बाद अब यहाँ आ गए, वहाँ से दिल टूटने के बाद यहाँ आ गए दिल लगाने, सॉरी मतलब ब्लॉग बनाने। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग कहाँ आए हैं, झुमका, और अभी चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। अभी तो काफ़ी कुछ बन गया नया। अरे यार, भीड़ भी बहुत है। पहले किधर चलें? पहले वहाँ से चलते हैं, शुरुआत वहाँ से करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है, और अभी तो टिकट विकट भी चालू हो गया है घटना। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पिकनिक मनाने। यहाँ से ब्रिज बना दिया वहाँ तक जाने के लिए। तो चलते हैं अभी आगे और आपको दिखाता हूँ अब। अरे भाई, आप लोगों को दोस्तों वोटिंग करना होगा तो यहाँ पे आइएगा। यार, ये वाला एकदम नया ले आए हैं वे। अच्छा, चलने के लिए तो चलते हैं दोस्तों अभी आगे, और ये छोटा सा ब्रिज बना दिए गए हैं, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे छोटा सा ब्रिज ऐसे करके प्लास्टिक का बना दिया गया है, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस। और ये पूरा साइड नदी, पूरा साइड पानी, और काफ़ी भीड़ है। और आगे चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, मज़ा बहुत आ रहा है घूम के। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और वहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे दोस्तों कुरिया बना दिया गया है, चलते हैं आगे। ये देख, अच्छा यहाँ पे बना है, इसको बनाने से तो पूरे बनाते हैं, आधा बना के फाइनली ऐसे हम लोग पहुँच गए हैं। सॉरी भाई, गुरु। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा कोरिया, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे आई लव कोरिया लिखा हुआ है। अच्छा, आई लव वो मिट गया, और यहाँ पे कोरिया लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी ये बन गया ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी। और क्या कर रहा है भाई? भाई देख रहा है, अपना वीडियो बना रहा है। ये भी छोटा सा स्टेटस लगाने के लिए, काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे आते, काफ़ी लोग। अभी चलते हैं यहाँ से आगे, और आपको आगे दिखाता हूँ मैं। और दोस्तों देख सकते हैं, वहाँ पे बोट भी चल रही है, और वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट टाइप से बना दिया गया है, रेस्टोरेंट है या कुछ और है नहीं पता। और कितना भीड़ देख रहे हैं भाई, दोस्तों भाई। ये ब्रिज हिल रहा है पानी की वजह से, ऊपर नीचे होता है, और मज़ा आ रहा है चलने, मज़ा आ रहा है ना मेरे भाई? हाँ बाबा, शर्माना नहीं है, ब्लॉग बना रहे दबा के, समझ रहा है। और चलते हैं दोस्तों आगे, और आपको दिखाता हूँ ये ब्रिज भी, देख रहे हैं पानी की वजह से ये ब्रिज कितना हिल रहा है। ये रहा, यहाँ से दिखेगा बोट आया, बोट। अच्छा, बोट आए इस वजह से। तो दोस्तों देख सकते हैं,
काफ़ी लोग पिकनिक मनाया है ऐसे जगह में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बन गया तो पहले से ज़्यादा भीड़ होने लगा है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता रहा। और इधर भी लोग सारे पिकनिक मनाने आए हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं लेकिन इस छोटी सी जगह में, मतलब बांध है तो बोटिंग चलता है तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगता है, तो काफ़ी भीड़ होता है। और उधर जैसे तो देख रहे हैं कैंटीन है वहाँ पे, और इधर 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 मेरी जान, ये दोस्तों मच्छी, यहाँ से घुसते हैं और उधर से निकलते हैं कि उधर से घुसते हैं, क्या मालूम कहाँ से घुसते हैं। हाँ दोस्तों, अपन तो घुसे नहीं कभी, आप लोग अभी कभी अंदर गए होंगे तो बताइएगा। इतना बड़ा देख सकते हैं दोस्तों, ये मछली बना दिया गया है, पहले बस यही था और ये बाकी इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब पहले से ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है और रात को देखने से तो और अच्छा लगता है। अच्छा, अब अंदर नहीं आ सकते क्या सर? अंदर फीस लगेगा, कितना? 20 रुपये। तो चलिए दोस्तों, अभी मछली के अंदर आ गए हैं तो चलते हैं अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इधर से दिखा दो, बाप रे, तो पानी वहाँ मछली उछली नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं मछली, छोटा छोटा मछली दिख रहा होगा आपको। और अरे मस्त बना दिया गया है दोस्तों, और मेरे वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉपीराइट मत आ जाए। अरे यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, नीचे छेद, यहाँ से हवा आ रहा है मस्त, और यहाँ पे फिश टैंक बना दिया गया है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये मछली है। मैं सोच रहा था कि नहीं आऊँ पर आ गए अंदर। अंदर चलते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं क्या? अच्छा, तो फाइनली दोस्तों आपको दिखा दिया, मतलब अंदर में ऐसा कुछ दिखता है, और अभी भैया गेट खोल रहे हैं, खोले नहीं थे, तो चलो यहीं से निकलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं, ये रहा मछली के अंदर भी घुस लिए मेरे को लगा, और मतलब पूरा जगह फिश टैंक बना है और सारे कपल यहीं पे अंदर में ही रहते हैं लोग। यहाँ पे कुछ टी स्टॉल बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये दोस्तों देख सकते हैं पीछे साइड पूरा टी स्टॉल बना हुआ है, ये यहाँ पे रात को पूरा रात को बोलता हूँ, यहाँ पे टी स्टॉल बना हुआ है और रात को मेरे ख्याल से रात को खुलता होगा। और भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, कितना लोग पिकनिक मनाने आते हैं, काफ़ी लोग, और इधर से पूरा मछली भी दिखता है, और देख सकते हो पीछे साइड टी स्टॉल है, और इधर से एक बार और दिखा दूँ आप लोगों को कितना भीड़ है। चलिए दोस्तों, इतना ही कुछ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरा घुमा दिया मैं आपको, और क्या ही बोले, क्योंकि आज तो थोड़ी दिल टूट गया। क्यों दिल टूट गया बता मेरे भाई? महल जो था, महल, वो महल खुला नहीं, हम लोग को वीडियो खुला था लेकिन वीडियो शूट करने नहीं दिए हम लोग, इसलिए तो आए थे कि दो वीडियो हो जाएगा ना दोस्तों, आज सोच रहे कि अगर बैकुंठपुर जा ही रहे हैं तो दो वीडियो शूट कर लेंगे, एक झुका बांध का एक महल का, लेकिन ये हो नहीं सका। ऐसा लग रहा है मैं डूब के मर जाऊंगा। अरे भाई उसमें गिर गया था, अब इसमें मत डूब जाना, पानी बहुत गहरा है। नहीं ना दोस्तों, ब्रिज पे कितने लोग हैं वहाँ पे, आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है पर इस वीडियो में ज़्यादा वाइड आ गया तो शायद इस वजह से ना दिख रहा होगा। तो दोस्तों अभी भाई बोल रहा है फ़ोटो खींचने के लिए, इसी में तो सारा कुछ घूम लिए, अब यहाँ से निकलते हैं, आपको दिखा दिए और कहीं और चलते हैं। तो दोस्तों वहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग आगे नाश्ता करने इंडियन होटल में, तो चलते हैं अभी अंदर और कुछ मंगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब घूम घूम कैसे करके ना बहुत भूख लग रहा था, तो चलते हैं अंदर, भीड़ भी बहुत है यार भैया, भीड़ तो है, कैसे करेगा, कहाँ बैठते हैं? भैया दो जगह समोसा लगा लीजिएगा, दो प्लेट है ना। तो दोस्तों अभी नाश्ता कर लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, प्लेट लग गई इतना भीड़ होने के बावजूद भी, चलो अपना प्लेट लग गया है, अभी कर लेते हैं जल्दी से नाश्ता दोस्तों और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों हो गया नाश्ता और अब घर निकल रहे हैं। आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।